अर्शद, मुझे हमेशा कहते थे कि बेटियां सांझी होती हैं ना, और बेटियों को कोई कुछ नहीं कहेगा बहनों को, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कब्र पे जाके कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा। 23 वाले दिन भी जो है, मतलब दिन के टाइम में, क्योंकि वो रात के टाइम का वाक्य है, हमारे मैसेजेस एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे थे। मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने उनसे कहा कि मैं एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे स्टोरी करने से मना कर दिया। ये हमारा आखिरी जो था वो मैसेज था। उनको जो असैसिनेशन का थ्रेट था फॉर बीइंग वोकल, अगर आपने इस तरह बोलना बंद नहीं किया तो आपको सर में गोली मारी जाएगी। अभी जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया जिस पे बहरहाल बाद में वो खुद भी शर्मिंदा लगी। किसी लीडर के घर में पैदा होने से या महंगे ब्रांड पहनने से कोई लीडर नहीं बनता। बेरहमी या संगदिली जो है वो एक्सपोज हुई। फिर उसने दिवाली का केक भी काटा, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि वो चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फोन करेंगे और कहेंगे कि गेट खोलो, मैं आ गया हूँ, खाने में क्या बना है। जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी वो जिस तरह से टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई गई। वो जब मैंने देखी ना वो हाथों की तस्वीरें, तो मैं हाथ पहचान की, उनकी उंगली पे तिल था तो फौरन मुझे उनका हाथ पहचाना गया। तो वो दिन, आज का दिन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना रोती हूँ और मुझे सब्र नहीं आता। मुझे नहीं पता कि लोगों के अपने क्या एजेंडाज होते हैं या एंकर्स के अपने, वो क्या मुझे नहीं पता। मैंने फिर चैनल को कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन साहब ने या उनकी फैमिली ने मुझसे ताजियत भी की हो। उनसे वो बंदा छीन भी लिया है तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़े और मेरे खिलाफ ये कंपेन चला दी कि मैंने इद्दत में निकाह कर लिया, जो कि इतना बड़ा झूठ है, बोहतान है मेरे ऊपर। यहाँ पर दलील का जवाब गोली से दिया जाता है। जो कीनिया की जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ तावुन कर रहा है, क्योंकि बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा तो किया किस चीज पे शुक्रिया अदा किया है तावन ना करने पे? है। जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके मुतल्लिक अगर कुछ आप इजहारे ख्याल करना चाहें। नो कमेंट्स। सहाफियों की वो तादाद जो सियासी जमातों के मुलाजिम हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। बींग अ फैमिली मेंबर, आपको क्या लगता है कि जिनके मुतल्लिक तासुर पाया जा रहा है क्या वही लोग मुलव्वस हैं? कब्र पे जिन लोगों को बदवाएं देते हैं लोग, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वही उनके कातिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सदीक ने। कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पे हमने देखा इनका करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही थी और इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि शायद इन्होंने इद्दत में कोई अल्लाह माफ़ कर कोई निकाह कर लिया। बाकी क्या मामला हैं जवेरिया से ही बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, गुजार रही हूँ अपनी जिंदगी। अच्छा जवेरिया, पहले सबसे पहले तो मुझ समेत पूरा पाकिस्तान आपके जो इस दुख में जो है बराबर का शरीक है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने भाई को इंसाफ दिला सकें, उनका खून रहेगा ना जा जाए। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या लगता है आपको, क्योंकि आप उनकी अहली हैं, उनकी फैमिली मेम्बर हैं, आपको लगता है कि जो अरशद हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान से जो गए, ये मौजूदा हालात की वजह है? अगर वो पाकिस्तान से ना जाते तो शायद ये हालात ना होते। अच्छा, मैं भी हमेशा यही समझती थी, लेकिन उस दिन मैंने एक आयत पढ़ी, क्योंकि मैं कुरान की स्टूडेंट हूँ, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि किसी शख्स ने जब दुनिया से जाना होता है तो फिर वो कहीं भी चला जाता है, यानी कि जो कि वो लिख दिया गया होता है कि उसने अब उसका वक्त पूरा हो गया है तो वो चला जाता है। पहले मैं भी इस वक्त बहुत रोती थी और बार बार ये कहती थी कि काश वो गए ना होते ना, वो यहीं होते तो वो महफूज होते। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी के जाने का जो है वो वक्त मुकर्रर किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी उनको, क्योंकि वो वॉर रिपोर्टिंग करते थे, वो आपको पता है कि ऑपरेशंस कवर करते थे, दहशतगर्दी के खिलाफ चीज़ों को जो है वो कवर करते थे, इससे पहले भी उनको 2 दफ़ा अगवा किया गया और किडनैप किया गया तालिबान की तरफ से, उनके सर पे जो है वो गन रख दी। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, वो खैर खैरियत से हमारे पास वापस आ गए। लेकिन इस दफ़ा जो है इतना ये जुल्म हुआ, किसी भी शख्स के साथ इतना बेईमाना सलूक नहीं होना चाहिए। और जो खूने नाहक है, आपको पता है कि वो कभी छुपता भी नहीं है, उसके कातिल भी सामने आते हैं, और जाहिर सी बात है लवाहिकीन के लिए चीज़ बहुत गम और तकलीफ का बायस होती है, क्योंकि वो सेहतमंद थे, बात कर रहे थे, अपनी घर की जिम्मेदारियां उठा रहे थे, वो भले यहाँ पर मौजूद नहीं थे लेकिन उनका बहुत, एक तो इंसाफ पसंद बहुत थे, ऊपर से उनका बड़ा होता था कि मैं अपने घर की हर चीज़ को मैंने खुद करना है, मेरी बेगम को किसी तरह का कोई चीज़ खुद से ना करनी पड़ जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करती थी, वो चीज़ों को ज़्यादा वो कर रहे होते थे। तो वहाँ बैठ के भी उनकी एक कोशिश होती थी कि हमारे लिए कंफर्ट का वो पूरा वो रखें, हालांकि खुद वो उस वक्त बहुत मुश्किल में थे और एक बहुत मुश्किल वक्त था जो कि उन्होंने 2022 में काटा, लेकिन पूरे सब्र के साथ। और मतलब मैंने कभी शिकन नहीं देखी, कोई शिकवा नहीं देखा उनके
मुंह पे। और दूसरी चीज, ना उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया, ना कोई उन्होंने जो है वो बाहर के मुल्क कोई लेटर लिखा, ना उन्होंने कोई जो है वो रेजिडेंसी अप्लाई की। इतना वो प्यार करते थे कि उनके पास कोई मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट या उनके पास कोई बाहर के मुल्क जायदाद नहीं थी, और उनका सब स्टाफ। अच्छा जवैया, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो हाल ही में आपका करेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे से बात करते हैं कि जब अरशद यहाँ से गए दुबई, क्या हालात थे, क्या डिस्कशन थी, लास्ट क्या मुलाकात हुई, और उनसे क्या बातचीत हो रही थी 22 अक्टूबर से पहले? देखिए, 23 को उनकी असैसिनेशन हुई, तो 23 पहले दिन भी जो है मतलब दिन के टाइम में, क्योंकि वो रात के टाइम का वाकया, हमारे मैसेजेस एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे थे। और वो एक अनयूजुअल दिन था कि उन्होंने कॉल नहीं की, वरना वो यूजुअली इतनी सी चीज़ के लिए भी कॉल कर लेते थे कि फलां बुक का फलां सफ़ा का स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं भी इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो उनकी मतलब हज़ारों बुक्स हैं जो मौजूद हैं इस वक्त, मेरी अपनी हज़ारों बुक्स हैं। मुझे बहुत अनयूजुअल लगा कि आज के दिन उन्होंने कॉल नहीं की, ठीक है, और किसी भी काम के लिए या किसी भी बात के लिए, वाई ही नेवर कॉल्ड मी। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने उनसे कहा कि मैं एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ, मैंने ये आर्टिकल लिखना है अपने इदारे के लिए, मुझे ना एक दो चीज़ें ज़रा आपसे डिस्कस करनी है। आमतौर पर मैं अपने आर्टिकल्स खुद करती हूँ, और मतलब लेकिन कोई चीज़ तहकीकाती होती थी ना, तो ऑफकोर्स वो इतना बड़ा नाम थे तहकीकात में और दिफाही अमूर में, कि मैं उनसे एक दो चीज़ें पूछ लेती थी। उन्होंने मुझे स्टोरी करने से मना कर दिया। ये हमारा आखिरी जो था वो मैसेज था, जो कि मुझे बड़ी उन्होंने तकलीफ वो स्टोरी है। करने से मना कर दिया, क्या स्टोरी थी? मुझे वो इतनी कोई वो स्टोरी नहीं थी कि मतलब, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी बीवी के ऊपर कोई मसाइल ना आए, कोई पीडीएम की हुकूमत उनको तंग ना करना शुरू कर दे कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, और ये उन्हीं के हवाले से अगर कोई स्टोरी करती है, कोई चीज़ को पॉइंट आउट करती है, करप्शन को या चीज़ों को, तो कहीं इसको भी तंग ना करने लग जाए। बल्कि वो मुझे यहाँ तक कह रहे थे कि तुम अपना सोशल मीडिया का यूजेज कम कर दो, तुमने ज़्यादा क्रिटिकल पोस्ट नहीं करनी, इस वक्त मैं मुल्क में नहीं हूँ, तो फिर मुझे फिक्र होती है, परेशानी होती है, यहाँ तक अच्छा उन्होंने मुझे कहा। जुबैया, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि इमरान रियाज खान पे भी बहुत ज़्यादा जो FIRs कट रही थी, और यही सूरत हाल जो थी अरशद शरीफ साहब के साथ भी थी। सडन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमने अचानक देखा कि उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जो एयरपोर्ट की थी, कि उन्होंने फैसला किया कि अब मैं जा रहा हूँ फ़ौरन? क्या फैमिली से क्या डिस्कशन थी, क्या बताया कि क्यों मुझे जाना ज़रूरी है? ठीक है, उनको जो असैसिनेशन का थ्रेट था, और उनको ये थ्रेट आया था कि आपने जो मतलब आपने अगर ये सब करना बंद नहीं किया, या आपने फॉर बीइंग वोकल अगर आपने इस तरह बोलना बंद नहीं किया, तो आपको सर में गोली मारी जाएगी। अच्छा, तो बकायदा हम सब इन्हीं अल्फाज में धमकी आ यही रही थी। अल्फाज थे, यही कहा गया था, और उसी थ्रेट को फिर जो है वो हम देखते हैं कि केन्या में जो है वो उसी तरीके से पूरा किया गया। अब वो अचानक से निकले, तो मुझे जब उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान नहीं हो ना, और तुम कुछ दिन बाद मुझे ज्वाइन कर लेना ना। मैंने उनसे कहा कि मेरी कोविड की रिकवरी चल रही है, तो मुझसे सफ़र नहीं हो रहा, और वाकई मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब जो है ना हुई। अच्छा, अब जो है हम रابطे में थे, और वो बहुत सख्त जो है वो परेशान थे, ठीक है। अब जब वो मैंने उनको पहले कभी ऐसी परेशानी में नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी और थ्रेट्स बहुत सीरियस थी, और फिर उन्होंने रमज़ान में हमारे घर में भी घुसने की कोशिश की थी, अरशद को ढूंढ रहे थे, तब भी अरशद ने मुझे मना किया कि आप इस बात को मेंशन ना करना सोशल मीडिया पे, मैं जस्टिस अथर्मिनुल्लाह को ये केस मैं बताऊंगा, चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। वो बड़ा इस निज़ाम के ऊपर उम्मीद रखते थे, वो समझते थे कि मुझे अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और जब उनको दुबई से निकलवाया गया, तो ये तो एक तरह की साजिश थी कि उन्हें उनके पास वीजाज नहीं थे, वो किसी गैर महफूज जगह पे चले जाएं और फिर जो है उनको टारगेट किया जाए। तो मुझे तो ये एक पूरा प्री प्लान मर्डर लगता है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। जैसे पाकिस्तान में धमकी दी गई कि हम सर में गोली मारेंगे, वैसे ही जो है वो उनके साथ ये कीनिया में किया गया। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है कि अरशद शरीफ साहब का जो ये असैसिनेशन है, ये कीनिया में हुआ या ये पाकिस्तान में हुआ? ऐसा कि देखिए, ये कोई हादसा तो प्लान नहीं तो यहीं था से बना है ना, प्लान जी? तो यहीं से बना था, एग्जीक्यूट वहां पे हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके कातिल इस मुल्क में भी मौजूद हैं, और उनके कातिल उस मुल्क में भी मौजूद हैं, जिसमें से अफसोस की बात है कि अभी तक कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, और अभी तक कोई एक भी जो है वो पाबंद सलासल नहीं है। अभी जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस दिन मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया, जिस पर बहरहाल बाद में वो ख़ुद भी शर्मिंदा लगी और उनकी पूरी जमात शर्मिंदा लगी। तो उस ट्वीट ने क्या
क्या कमाल दिखाया आप लोगों के गम में। मैं हमेशा उनको मुझे बतौर खातून अच्छी लगती थी। मैं हमेशा उनकी ड्रेसिंग को भी प्रेस करती रही, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है। और लीडर्स इतने शैलो नहीं होते कि वो लोगों की ट्रेजेडीज़ या लोगों के मैयतों के ऊपर जो हैं वो कमेंट्स करें। जब उनकी वालिदा बीमार थी तो मैंने उनको बाकायदा प्राइवेट मैसेज में भी उनको दुआएं भेजी, लिख के ये पढ़ें तो वो उनको सेहत मिलेगी। जाहिर सी बात है, उनकी वालिदा की एक जमहूरी खिदमात है इस मुल्क को लेकर, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी पोलिटिकल लेगेसी की। लेकिन मरियम नवाज जो हैं, उनकी कोई भी पॉलिटिकल ना स्ट्रगल है ना कोई उस तरह से उनकी कोई एफर्ट है। मौरूसी सियासतदानों को सब कुछ उनके पेरेंट्स की वजह से जो है वो मिल जाता है। सो उनके उस ट्वीट से उनकी जो ज़हनियत है या जो उनकी एक वो थी, जो उनका एक क्या कहना चाहिए, मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी एक बेरहमी या संगदिली जो है वो एक्सपोज हुई। फिर उसने दिवाली का केक भी काटा। सो उन्होंने खुद अपने आप को ये एक्सपोज किया, क्योंकि एक तो अरशद उर्दू में ट्वीट नहीं करते थे और अरशद ने कभी किसी की बीमारी किसी खातून का मजाक नहीं उड़ाया। वो तो कभी अपनी कोलीग्स को भी घर में डिस्कस नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन एंड ही रिस्पेक्ट वुमेन एंड ही रिस्पेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट। बल्कि वो तो इस चीज़ की तारीफ करते थे कि पूरे शरीफ खानदान के मर्द चले गए लेकिन वो बतौर औरत यहाँ पर रही और उन्होंने चीज़ों का मुकाबला किया। लेकिन फॉर मी उन्होंने अपना जो है वो सारा इमेज गिरा लिया मेरी नज़रों में, उस वक्त जब उन्होंने मेरे शोहर की मैयत पे एक झूठे ट्वीट के ऊपर जो है वो कमेंट किया और अपना जो है एक सफाकी और संगली जो है वो उस टाइम पर दिखाई। अरशद ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था। एक तो वो जाली ट्वीट था, लेकिन उस जाली ट्वीट की वजह से एक वो असली नफरत, संगली और बेरहमी जो है वो एक्सपोज हो गई और वो पूरे पाकिस्तान ने देखी। किसी लीडर के घर में पैदा होने से या महंगे ब्रांड पहनने से कोई लीडर नहीं बनता। लीडर अपनी काम, कुर्बानियों, रुफकार और मेहनत से बना जाता है। अच्छा जिवैया, ये बताएं कि जब ये ख़बर आई, मुझे मेरा ख्याल है रात के 2 या 2:30 बजे ये ख़बर मिली और मुझे लगा कि शायद जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो मुझे लगा कोई ये अफवाह फैला रहा है, और मुझे मेरा ख्याल है 2 घंटे लगे इस चीज़ को कंफर्म करने में। आप लोगों तक ये ख़बर कब आई और कब कंफर्म हुई, और उस दौरान किस क्रम में थी, क्या लग रहा था ये कोई अफवाह है, अभी अरशद फ़ोन करके अपनी खैरियत के बारे में बताएंगे और ये सारी अफवाहें जो है ख़त्म हो जाएगी, वो क्या दुरानिया था, पता कब लगा और कंफर्म कब हुआ? देखिए, पहले तो आपको यकीन ही नहीं आता ना, क्योंकि हमारी बात हो रही थी मैसेजेस पे, ठीक है, और आखिरी मैसेज उनका यही था कि ये स्टोरी मत करना, ठीक है। तो मुझे पता हुआ कि वो ऐसे क्यों मुझे कह रहे हैं ना, क्योंकि आमतौर पर वो इस नहीं कहते थे और ना मैं उनके दफ्तरी मामला में दखल देती थी ना वो मेरे दफ्तरी मामला में दखल देते थे। लेकिन चूंकि हर चीज़ उनकी इजाज़त से हो रही होती थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तहकीकाती स्टोरी है तो आई शुड आस्क हिम बिफोर दैट ना। फिर उनका फोन बंद आने लगा ना, मैंने उनको मैसेजेस भेजे कुछ 12 साढ़े 12 के करीब। मैंने कहा पता नहीं ये आज क्या हो रहा है, मैसेज क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ इनका फोन बंद हो। खैर, मैंने फोन जो है अपना रखा और मैं अपनी लाइब्रेरी में आ गई और फोन मेरे पास ही नहीं था। मैं वहां पर बैठ के काम करती रही, थोड़ा बुक शुक्स पढ़ती रही, लेकिन मैं मुझे ना अनकंफर्टेबल फीलिंग, जैसे ब्रेथलेसनेस वो कोविड के बाद आपको होती है, उस तरह फीलिंग आ रही थी। जब मैं गई तो मेरा फोन मैसेजेस, कॉल्स और चीज़ों से भरा हुआ, मुझे बहुत हैरत हुई ना। तो मैंने देखा कि उनके प्रोड्यूसर की कॉल आई थी है, तब तो दैट वाज बिट अलार्मिंग के कोई रात के 2 बजे मुझे क्यों कॉल करेगा ना। मेरी दोस्तों की कॉल, जानने वालों की कॉल्स, देन ही टोल्ड मी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो सब मेंटली उसे प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया उस पर बिल्कुल भी नहीं देखा था ना, व्हाट्सएप ना सोशल मीडिया। ये फिर सब शरीफ घर साहब आ के प्रोड्यूसर आपको मतलब कि जी मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे? जी अच्छा। फिर सब घर आ गए, फिर उन्होंने मुझे बताया तो मतलब मुझे यकीन ही ना आया जब तक कि मैंने उनकी वो तस्वीरें नहीं देखी। और 5 बजे, फिर सुबह के 5:30 बजे मुझे कंफर्म हुआ दैट ही इज नो मोर। और वो बड़ा मतलब रिकॉल करना ही बहुत पेनफुल है, वो सब याद करना, सोचना, करना। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि वो चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि गेट खोलो, मैं आ गया हूँ, खाने में क्या बना है। क्योंकि हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे ना कि अब वो वापस आने वाले हैं। बहुत वक्त उन्होंने गुजार लिया, हो सकता है अब चीज़ें ठीक हो गई हों, लेकिन इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कोई ठीक होने के करीब हैं या इस मुल्क में जो है वो चीज़ें कोई सही तरफ जा रही हैं। अच्छा जवेरिया, ये बताएं कि जैसे कि हमने देखा कि जिस दिन असैसिनेशन हुई उसके कुछ घंटों बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें उनकी बॉडी थी, और उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी वो जिस तरह से टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई गई, आपका ताल्लुक जिस इदारे से है उसी इदारे के एक प्रोग्राम में
उन्होंने नशर कर दी। क्या कहेंगी इस बारे में? मैंने अपना एहतजाज किया और फिर वो इमेजेस वहाँ से हटवा दिए गए, क्योंकि सारी सी बात है मैं भी उस इदारे का हिस्सा हूँ और मैंने फिर प्रोटेस्ट किया इस चीज़ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बतौर बीवी जो है वो उनको मतलब सिर्फ चेस्ट तक देखा था मॉर्चरी में और पोस्टमार्टम रूम में। मेरे जहन में ही नहीं था कि आपने पूरा देखना होता है, आपने ये चीज़ें नोट करनी होती हैं, क्योंकि वो इतना गम का माहौल होता है। आप बतौर डॉक्टर जर्नलिस्ट या इस तरह तो नहीं उस टाइम पर एक्ट कर रहे होते। तो वो जब मैंने देखी ना वो हाथों की तस्वीरें, तो मैं हाथ पहचान की, उनकी उंगली पे तिल था तो फौरन मुझे उनका हाथ पहचाना गया। तो वो दिन, आज का दिन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना रोती हूँ, मुझे सब्र नहीं आता, मुझे इतनी तकलीफ होती है। मतलब एक वो ट्रॉमा था जो उस दिन का था, 23 का और 27 का, जिस दिन वो दफन हुए। ट्रॉमा जो मुझे इमेजेस की वजह से मिला है ना, ये भी बहुत खौफनाक ट्रॉमा है। और लोग कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा हीलर है, ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त के साथ आपको ज्यादा तकलीफ होती है अपने जख्मों पे और अपनी उन चीजों पे, क्योंकि मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज, कीमती इंसान, कीमती रिश्ता जो है वो छीन लिया गया। तो ऑफ कोर्स ये चीज आपको बहुत तकलीफ देती है। और मैंने शायद लाइफ में कभी किसी को बदवा नहीं दी होगी, लेकिन मैंने फिर अरशद के कातिलों को बदवा दी कि अल्लाह उनको निशाने इबरत बना और वो अपनी इन तमाम नियमतों को, अपने इन तमाम ताकतों को एंजॉय ना कर सकें, वो मौत की भीख मांगे और उनको मौत ना मिले। क्योंकि बाजू का होता है ना कि आपके पास जितनी भी दौलत हो तो ना चाहे तो फिर एक मच्छर के जरिए से जो है वो जो मरवा सकता है, उसके अजाब में मुबला कर सकता है। तो शायद मैं भी यही ख्वाहिशमंद हूँ कि उन लोगों को भी ऐसा ही अजाब मिले जिन्होंने खून किया नाहक, और एक बीवी से उसका शौहर छीना, एक माँ से बेटा छीना, और इस मुल्क से कीमती सहाफी छीन लिया। अच्छा जुबेरिया, जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ें कभी भी नेशनल टीवी पे नहीं चल पाती, चलती भी हैं तो उन्हें बकायदा तौर पे ब्लर किया जाता है। तो ये क्या बकायदा तौर पे मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होती है एक और चीज़ थी, एक नेशनल टीवी के थ्रू वायरल किया जा रहा है, क्या लगता है ये गलती थी या करवाया जा रहा था? मुझे नहीं पता कि लोगों के अपने क्या एजेंडाज होते हैं या एंकर्स के अपने, वो क्या मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं और अरशद किसी के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते थे, तो हम उसकी तस्वीर को ब्लर करके, उसकी शनाख्त को छुपा के आवाज़ उठाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे नहीं लगता कि उन साहब ने या उनकी फैमिली ने मुझसे ताज़ियत भी की हो। उसके बाद तो उनका फ़ोन आया डेफिनेटली, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि वो हमारे घर आए या उन्होंने हमसे ताज़ियत भी की है। मैंने फिर चैनल को कहा, मैंने कहा मुझे तो याद नहीं पड़ता कि जब यहाँ से हज़ारों लोग ताज़ियत करके गए तो मैंने इनको या इनकी फैमिली को यहाँ पे देखा हो। तो अब अगर ये बहुत हमारे सगे बन के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इनको चाहिए वो ब्लर करके चलाएं। लेकिन ये कोई एंगल बनाने के लिए ये कोशिश की जाती है, बिकॉज जब मैंने उनको मॉर्चरी में देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ हुआ, उनकी सिर्फ बुलेट वुंड्स थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ने उनके साथ या तो उन्हें वहां से लाते हुए ये किया है या फिर यहाँ पे हुआ है। मुझे पता, मेरा दिल ये कहता है। ये मैंने आपको जितना भी आपके कॉलम दिया सोशल मीडिया पे देखा, आप यही कह रही हैं कि मुझे ये लगता है कि उनके जो हाथ और ये जो उन्हें फ्रैक्चर किया गया उनकी बॉडी को, ये यहाँ पाकिस्तान में ला के किया गया। कौन करता है इतनी नफरत कि आप एक शख्स जिस को आपने मतलब कि शहीद भी कर दिया और आपका गुस्सा नहीं निकल पा रहा, ऐसा क्या, ऐसा कर क्या दिया था? आप नफरत का, अनाओं का, गरूर का ये आलम देखें कि हमसे वो बंदा छीन भी लिया है तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़े और मेरे खिलाफ ये कम्पेन चला दी कि मैंने इद्दत में निकाह कर लिया, जो कि इतना बड़ा झूठ है, बोहतान है मेरे ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर लोगों ने कायनात की सबसे अहम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा के बारे में अगर ये कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत हकीर इंसान हूँ। मैं तो बहुत आम सी मुसलमान हूँ। मुझे मुझे बड़ा ये होता है कि ऐसी क्या डर था अरशद से, ऐसा क्या, मतलब हम इतने पेट्रियोटिक, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, टैक्स पेयर पाकिस्तान के, कभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया, किसी इदारे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, किसी शख्सियत के ऊपर हमने कभी कोई जाती तनकीद नहीं की। बस अरशद एंटी करप्शन थे, उन्हें हम छीन भी लिया और फिर भी हमें, मतलब जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है बची कुची पीछे, वो भी नहीं जीने दे रहे कि मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी चीज करते हैं कि हमें दुख पहुंचे। कभी उनकी तस्वीरें निकाल देना हॉस्पिटल मॉर्चरी से, पिम्स ने आज तक नहीं बताया कि ये हरकत किसने की थी, हालांकि पिम्स को सू होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि वहां पे लोग की प्राइवेसी ही नहीं है,
कल क्या आप किसी की मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हुए भी पिक्चर्स निकाल देंगे वीडियो? जब आप एक लाश की तकरीम नहीं कर सकते तो फिर जिंदा लोग क्या आपके हॉस्पिटल में महफूज है? अच्छा, फिर मेरे खिलाफ कंपेन शुरू कर दी, मुझे उनके मेजबानों की कजिन बना दिया। मेरा नाम सदीक है, मेरा नाम सदीकी नहीं है, ठीक है? और अरशद किसके थ्रू वहां पे पहुंचे, ये उनसे तहकीकात होनी चाहिए कि उनको वहां पे क्यों पहुंचाया गया। हमें तो उन्होंने ये बताया ही नहीं था कि वो किसके साथ रह रहे हैं या फिर क्या सिलसिला है उस तरह से, क्योंकि मर्द अपनी बहुत सी चीजों को बीवियों से या घर वालों से इसलिए छुपाते हैं कि कहीं वो परेशान ना हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने जिस फिर कंपेन करेक्टर असैसिनेशन की शुरू कर दी, तो मतलब थिंग्स हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर क्या लगता अस। है कि आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है कि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है? इस वजह से कि आप कहीं ना कहीं अपनी कलम के थ्रू कुछ ना कुछ लिख रही थी अरशद शरीफ साहब पे और मौजूदा मुल्की हालात पे। एक्चुअली मैं आई एम वेरी वोकल फॉर हिज जस्टिस। मैं अरशद के हवाले से कोई ना कोई चीज़ डेली ज़रूर करती हूँ, चाहे आर्टिकल हो, चाहे जो है वो कोई भी चीज़ हो, पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, फैक्ट्स हो, मैं पॉइंट रेस करती रहती हूँ। तो शायद लोग यही चाहते होंगे कि मैं मतलब जो है आवाज़ ना उठाऊं। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि जो अभी कंपेन चल रही थी उसमें ज़्यादातर जो तस्वीरें लगी हुई थी वो पीडीएम लीडरान के चाहने वालों ने उन्हीं की पिक्चर्स लगाई हुई थी, और शरीफ खानदान की वो अकाउंट से ज़्यादा मुझे टारगेट कर रहे थे जिनको ये तमाम लीडरान फॉलो भी करते हैं। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू डू कि आप एक बेवा है, एक औरत इद्दत में है और आप उसको सता रहे हैं और तंग कर रहे हैं। मतलब शैतानी या शरपसंदी का भी कोई लेवल होता होगा। अरशद मुझे हमेशा कहते थे कि बेटियां सांझी होती हैं ना, और बेटियों को कोई कुछ नहीं कहेगा बहनों को, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कब्र पे जाके कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा। वो शायद इस मुल्क को लेकर ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार थे। यहाँ पर दलील का जवाब गोली से दिया जाता है, यहाँ पे दलील का जवाब किरदार कुशी से दिया जाता है, यहाँ पे बोलने वालों के हवाले से FIRs कर दी जाती हैं। पता नहीं क्या बनेगा अब। आई एम अच्छा वेरी अच्छा बस होपलेस। इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा भी होगा, लेकिन लास्ट दो सवाल आते हैं, मैं वो आपसे करना चाह रहा हूँ। एक ये है कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों के बारे में एक जो तासुर पाया जाता है जो पाकिस्तानी आवाम को लगता है, एक तो वो है बींग अ फैमिली मेम्बर और फिर आपकी आप जर्नलिस्ट भी हैं, आपको क्या लगता है कि जिनके मुतल्लिक तासुर पाया जा रहा है क्या वही लोग मुलव्वस हैं या कुछ और मामला आता है? हमारे साथ बहुत बड़ी सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ मौजूद है, आवाम की भी। लिटरली मैं उनकी कब्र पे जाती हूँ तो लोग उनके कातिलों को बददुआएं देते हुए जा रहे होते हैं, लोग वहाँ पे कुरान खानी कर रहे होते हैं, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, फूल रख रहे होते हैं। वो कातिल वही हैं जिनको वहाँ पर लोग खड़े होकर बददुआएं दे रहे होते हैं और जिनको जिनके वो बारे में समझते हैं सोशल दिख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आवाम बहुत बाशऊर हैं अब, और उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है उनको पॉलिटिकल नॉलेज भी है। जो आके उनकी कब्र पे जिन लोगों को बदवाएं देते हैं, लोग जिनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वही उनके कातिल हैं। और अगर मेरी बदवा नहीं लगी तो उनमें से किसी की तो जरूर इन लोगों को बदवा लगेगी। सोशल मीडिया की बहुत बड़े सार्फिन की तादाद हमें सपोर्ट करती है, हमारे साथ इस तरह आवाम की भी है, तो अकेले तो हम हैं नहीं। हमें ऐसे लग रहा था कि हम बिल्कुल, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आवाम की हमारे पास बहुत बड़ी सपोर्ट है और सोशल मीडिया सार्फिन की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो जो वो वहां पे खड़े होकर छोटे छोटे बच्चे, औरतें और मर्द जिन लोगों को बदवाएं दे रहे होते हैं और कातिलों का नाम लिख रहे होते हैं, वहां खत हदूद छोड़ के जाते हैं, वही कातिल हैं। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपको लगता है कि जो पीडीएम पर तनकीद कर रहे थे वो महंगी पड़ गई? बहरहाल यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो मैं अपने व्यूअर के लिए भी और आपसे भी सवाल करना ये चाहूँगा कि मुझे याद पड़ता है कि 2018 का शायद है कि अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया जिसमें शायद वो थोड़ा सा इमरान खान साहब के को कुछ फैक्ट्स दिखाना चाह रहे थे, तो वो पीटीआई वालों ने ना उस तब अरशद शरीफ साहब को थोड़ा सा, अब पता है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में फैक्ट्स जो हैं सामने लाए आवाम के तो वो कुछ आपके मुखालिफ हो जाते हैं, तो तब मुझे याद पड़ता है कि पीटीआई वाले भी ना अरशद शरीफ साहब को उस ख़ास प्रोग्राम के बाद थोड़ा सा तनकीद कर रहे थे, और अब जब इन्होंने पीडीएम पे तनकीद शुरू की तो पीडीएम वाले ख़िलाफ़ हो गए। आपको क्या लगता है कि अगर अरशद शरीफ साहब अभी पीडीएम पे तो तनकीद कर रहे थे और वो इमरान खान पे भी तनकीद कर रहे होते तो क्या पीटीआई इस तरह से ही आपको सपोर्ट कर रही होती जिस तरह से अभी कर रही है?
माई सेल्फ एंड अरशद, हमें तकरीबन हर जमात के ट्रोल्स ने जो है वो निशाना बनाया। ऐसे ही है। इसमें तमाम जमातें शामिल हैं, सिर्फ आप निकाल दें जमात इस्लामी को, या उनका एक ऐसा उनका मीडिया सेलेसना किसी के साथ भी नहीं करता। तो अरशद के खिलाफ बहुत दफ़ा सिस्टमेटिक मुहिम चली, मेरे खिलाफ 7-8 मुहिम चली, और इसमें तमाम अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग हुक्मरानों के चाहने वालों ने ये किया। लेकिन जितना हमने बर्बादी, सपाकी, नफरत, नहुसत पीडीएम के दौर में देखी है, शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी और के रिजीम में ना देखी हो। मैं बहुत परवेज मुशर्रफ के ऊपर क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इवन ये इजाजत थी कि हम बच्चे होते थे उस पर हम वहां जाके गो मुशरफ गो का पोस्टर उठा सकते थे शाराए दस्तूर पे। अब आप जाएं और आप जरा गो पीडीएम गो का पोस्टर लेके जाएं, उसके बाद आप मिलेंगे ही नहीं कि आप कहाँ गए, आपके किसने कपड़े उतारा आपको, किसने हुआ कि आपको, किसने मारा, आप किस थाने से मिलेंगे, या उनकी किस किस हिस्से में आपके ऊपर पर्चा होगा। सो आजादी राय तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। अरशद कभी भी ना ये नहीं देखते थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो बहुत ज्यादा बहादुर इंसान थे, वो अपनी मर्जी करते थे, वो चीजों को पढ़ के लिख के दस्तावेजात के साथ बात करते थे, इसलिए अगले जो है वो जवाब नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम तो अपनी करप्शन नहीं छुपा सकते, ना हम करप्शन करने से बाज आ सकते हैं, तो क्यों ना हम इस आवाज को खामोश करा दें। और अब ऐसा कोई जर्नलिस्ट इस वक्त तो मौजूद नहीं है जो दस्तावेजात के साथ जो है वो करप्शन, सबकी करप्शन जो है वो निकालता हो, किसी एक की नहीं, उन्होंने सबकी करप्शन के ऊपर अच्छा वो की है। जवेरिया, हाल ही और में दूसरा ये है जी कि जी जी अब कोई ऐसा भी आप मुझे सहाफी निकाल के दिखा दें जो मुसल्ला फाज को कवर करता हो और उनके तमाम ऑपरेशंस और तमाम चीजों को वो करता हो। कल भी उनका चैनल, उनका प्रोग्राम जो है वो 27 फरवरी के ऊपर चला रहा था। तो जिन्होंने ये सब किया है, उन्होंने इस मुल्क के साथ जो है ये एक बहुत बड़ा वो किया है, नुकसान हमारा तो अच्छा, किया ही अभी किया है कि अभी हम हाल ही बहुत में नुकसान। जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है गवर्नमेंट का वहाँ की, कि वो बड़ा तआवुन कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता कि वो कितना तआवुन कर रहे हैं। बींग अ फैमिली मेम्बर, आप बताएं कि जो कीनिया की जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोगों के साथ तआवुन कर रहा है, क्योंकि बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया है। जी ये सिर्फ एक गिमिक है आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसलिए ये एक सिर्फ एक वो रूटीन की कॉल की गई है। वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना वहाँ पे केस है वहां पे, ना हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेशन है, ना वहां पर उन पुलिस वालों को सजा हुई है, ना उनके होस्ट वगैरह के साथ जो है वो कोई इंटरोगेशन या उनके फॉरेंसिक फोन्स वगैरह के हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ इन्होंने इसलिए किया है कि सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे अगली हियरिंग में, जी 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 हमने तो बात की है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं आपकी हुकूमत जब कहेगी तो हम थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेंगे, वो कहते ही नहीं है। तो किस चीज़ पर शुक्रिया अदा किया है? तावन ना करने पे, सजा ना देने पे, उन पुलिस वालों को ना पकड़ने पे, उन मुकदमा ना चलाने पे, शुक्रिया किस बात पे किया है उन्होंने, मुझे ये नहीं पता। वो बता रहे हैं कि उनकी सपोर्ट का शुक्रिया। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कॉल सिर्फ इसलिए की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा कि जी हमने तो किया है और वो तो तावन कर रहे हैं, स्लो स्लो चीजें निकल आएंगी। जितना वक्त गुजरता है उतने शवाहिद ज्यादा जाया होते हैं, तो ये इनकी विल नहीं है हमें इंसाफ अच्छा, देने अरशद की, शरीफ साहब का ना जो उससे सामान, पाकिस्तान की ना की। अरशद शरीफ साहब का जो सामान आया है कीनिया से वापस, क्या उनके लैपटॉप और मोबाइल्स भी आए हैं, या क्या रिसीव किया हुआ फैमिली को? उनका जो मेन फोन और जो उनका वो है आईपैड, वो तो वहीं है केन्या में। उनका लैपटॉप लापता है, उनका एक फोन जो FIA ने खोला था वो आया है वापस, और वो उनकी वालदा के घर में है। सही। लास्ट में जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके मुतल्लिक अगर कुछ आप इजहारे ख्याल करना चाहें। नो कमेंट्स, नो क्या कमेंट्स। कहूँ मैं। चलें, मैं जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं इस्लामाबाद में मौजूद था जब अरशद शरीफ साहब का जनाजा पढ़ाया गया, और वहाँ पे आप भी मौजूद थी। वहाँ पे लाखों लोग जो हैं अपने हीरो को सुपुर्दे खाक करने और उसका जनाजा पढ़ने आए हुए थे। और मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, मेरे पास वीडियो में, वो भी आपको शेयर ज़रूर करूँगा, कि मैं वहाँ से कवरेज के बाद ना निकला फैसल मस्जिद से, और मैं जाना चाह रहा था कब्रिस्तान। तो मैंने वहाँ पे ना एक ज़यीफ़ सी खातून देखी, जिनकी उम्र मेरा ख्याल है कि 70 के करीब थी, और वो सीढ़ियों पे धारें मार मार के रो रही थी। तो मैंने उनके आगे माइक किया, मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या लगते क्या थे अरशद? और वो इतना चीख चीख के रो रही थी, वो कहती कि काश मैं अरशद की जगह जो है ना उस गोली का निशाना बनी होती। और उनकी ना कोई औलाद थी, ना कोई फैमिली थी, और वो अकेले पिशावर से जनाजे में शामिल होने आई थी। तो मेरा ख्याल है ये वो इज़्ज़त है जो अरशद शरीफ साहब अपने काम से कमा कर गए हैं।
बहरहाल हम दुखी तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो अल्लाह ने उन्हें मुकाम और इज़्ज़त दी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि इस तरह का इज़्ज़त और मुकाम बहुत कम लोगों को मिलता है। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर योर टाइम और अपने आपने जो फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए, और मेरा ख्याल है कि जो आप जिस तरह का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ़ किया जा रहा है ये भी ये कोई पहली कड़ी है जो जिसमें आप पे इद्दत में निकाह का इल्ज़ाम था और इस तरह की बहुत सी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अभी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में कुछ अर्शद शरीफ साहब के चाहने वालों को इनाम को पैगाम देना चाहें। मैं बस ये कहूँगी कि दुआ किया करें, वो तो बहुत अच्छे मकाम पे हैं, लेकिन हमारे लिए सब्र की दुआ किया करें और ये दुआ किया करें कि हम इंसाफ लेने में जो हैं वो कामयाब हो जाएं, और दूसरा ये भी कि उनके कातिल जो हैं अगर उनको हम नहीं भी यहाँ पे सजाएं दिलवा सके, सिस्टम ऐसा है कि वो उन्हीं को सपोर्ट करता है, तो फिर ये दुआ किया करें कि मकाफात अमल हो और अल्लाह की तरफ से वो नेस्त नाबूद हो जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल था वो मैं भूल गया। इस सारे मामले में जो अर्शद शरीफ साहब का इदारा था उनका अमल दखल कैसा रहा, वो आपके साथ खड़े रहे? बहरहाल हमने ये तो देखा उन्हें खबर ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगा, दूसरे चैनल्स ने पहले ब्रेक कर दी, उन्होंने 1.5-2-3 घंटे बाद ब्रेक की। मुझे तो नहीं पता कि उस दिन क्या हो रहा था, जाहिर सी बात है मैं टीवी अब नहीं देखती बिल्कुल भी ना, लेकिन ये कि जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हों या सहाफ़ी हों, रिपोर्टर्स हों, इदारे उनके इदारे हों, वो हमारे साथ खड़े थे और खड़े हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आगे भी वो उनके इंसाफ के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे। सहाफ़ियों की वो तादाद जो सियासी जमातों की मुलाजिम है वो हमारे साथ नहीं खड़े थे, लेकिन जो आम सहाफ़ी हैं ना, जो गैर जानबदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो कि जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो पूरी लॉट हमारे साथ अभी भी खड़ी है। आज भी मुझे मेरे ख्याल में 10 कुलीग्स के मैसेज आए हुए होंगे जो मुझसे खैर खैरियत का पूछ रहे थे, अरशद का पूछ रहे थे कि उसके केस का क्या हुआ, वो कुछ लोग ये भेज रहे होते हैं कि हम कब्र पे गए हुए थे। सो हम अकेले तो नहीं हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो कि इस मुल्क में मौरूसियत को नापसंद करते हैं या करप्शन को नापसंद करते हैं, वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो जो नौकर और मुलाजिम किस्म के जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जिनका कलम सिर्फ मद्दा सराई के लिए उठता है, वो डेफिनेटली वो एंकर्स या कॉलमिस्ट या जर्नलिस्ट हमारे साथ नहीं। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जवेरिया सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी, अर्शद शरीफ साहब की अहलियाँ, और तमाम जो पस पर्दा हकाइक थे वो हमारे तक पहुँचा रही थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।